Faith is the light that guides all to the path of truth. Followed by that, our four-house captain. Malika Rani is requested to join now. I would like to call. Ma'am, how many is requested to join by the people? More responsible leader for tomorrow. They are very wise. नहीं जी सेंटर जाओ आगे थोड़ा सा।
आइए प्लीज आप लो जी towards you with all heart full of love and happiness. So with these words I would like to invite Manisha, Kavya, Gunjan, Akashi, Midhavi, Janvi, Anisha and Harmandeep Kaur to please come on the stage to present a beautiful welcome song. सूर्य की किरण छूले जग का हर एक मन around the school. I believe
We all are equal. I know how to be dedicated to a job and be patient with other children. I know how to be a great team leader. I will include every team member and you will not feel a little bit excluded. I will really motivate the team and make sure they all are focused. Even if we lose, I will motivate them more positively. My aim as a vice captain one is to build team's confidence by encouraging them. Thank you and have a nice day. And express my sincere gratitude to the mentors of this house who have appointed me as a leader. And I will always talk politely. कि आपके लिए आपके माता पिता और आपके जो ये अध्यापक हैं, ये दो लोग ऐसे हैं जो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेंगे। तो इन दोनों की अगर बात को आप पकड़ लोगे तो अपनी जो तरक्की जो है आपकी कभी रुकेगी नहीं, और आने वाले कुछ वर्षों में इस देश का जो भार है आप ही ने उठाना है। तो बस एक ही बात को पकड़ के रखो कि आपके जो माता पिता और आपके अध्यापक हैं वो आपका हमेशा भला चाहते हैं, और जो लोग होंगे वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इन दो लोगों की बातों को पकड़ के रखिए और तरक्की जो है आपके पांव में रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। सर मुबारक। आज आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, मेरे लिए बड़ा प्राउड का दिन है। मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो जैसे सुधीर सर ने कहा कि बच्चों के साथ मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। एक दिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर इन बच्चों से एक बार फिर मिलूँगी। सभी बच्चों को शुभकामनाएं। एक दिन मैं यहाँ अपना स्पेशल लेक्चर रखूँगी ड्रग्स के रिलेटेड, और कुछ बच्चों को अवेयरनेस भी यहाँ देंगे। मैंने पहले ही रखना था प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए सभी बच्चों को फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक धन्यवाद। सबसे मैं कहूँगी कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए होते ही हैं, लेकिन जो टीचर्स का रोल हमारी लाइफ में होता है वो सबसे माननीय होता है, सबसे अहम होता है, क्योंकि हम पेरेंट्स से ज़्यादा अपना पीरियड जो है वो टीचर्स के साथ अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ निकालते हैं। तो मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी बच्चे अपने टीचर्स के कहे हुए मार्ग पे चलें। उनका जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है। हम अगर ऊंची जगह पर पहुंचना चाहते हैं, हम तरक्की पाना चाहते हैं, हम दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि टीचर से ज़्यादा बड़ा गुरु हमारा कोई और नहीं है, पेरेंट्स तो होते ही हैं। तो मैं सभी बच्चों को भी सभी यही रिक्वेस्ट करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है, बुरी संगति नहीं करनी है। फ़ोन को ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, फ़ोन को अगर यूज़ करना है तो पढ़ाई के लिए करना है। तो मैं एक बार फिर से प्रिंसिपल सर का, पूरे स्कूल के स्टाफ का, बच्चों का, सबका और अपने मीडिया के भाइयों का सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। पूजा गुप्ता जी, चेयरमैन पूजा गुप्ता जी,
और बाकी सारा स्कूल का स्टाफ, छोटे 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 बच्चे, बहुत बहुत मुबारकबाद आज इस शुभ दिन पे जो इस स्कूल से एक इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चिल्ड्रन। एक बच्चे में एक सहन शक्ति आती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और एक जज्बा मिलता है, एक समाज में सेवा करने का एक आपस में कॉन्फिडेंस पैदा होता है उसमें। उस तरह की ये सेरेमनी आज ऑर्गेनाइज की गई। मैं ये गंगा, जमुना, सरस्वती और कावेरी जो ये हाउस हैं, इन सब के कैप्टन, वाइस कैप्टन और इनकी जो इंचार्ज मैम हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बड़े नाइसली तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। मैं फिर से सारे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा ब्यूटीफुल तरीके से ऑर्गेनाइज किया। बच्चों को एक नई दिशा मिलती है ये सब करने से। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनमें आती है तो उनमें कोई एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चे में जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तो बच्चे में जैसे अभी पहले हमारी एक बहन जी बोल के गई कि बच्चों को सबसे पहले अपने गुरु की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चा जब घर से शुरू होता है तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो उसके गुरु होते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल में आता है तो टीचर जो होते हैं वो उसका निर्माण करते हैं, वो उसके गुरु होते हैं। मुझे अपना एक किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बार जब केपी गंगापुर में पढ़ता था मैं, वहाँ पर मुझे भी पहली बार स्टेज पर खड़ा होने का अवसर जो है दिया गया था। एक स्टैचू के माध्यम से मैं वहाँ पर आधे घंटे के लिए मिनट के लिए वहाँ पर रुका था और बहुत मुश्किल समय था। ऐसा लगता पता नहीं क्या आ गया, लेकिन आज आपके स्टाफ ने, बच्चों ने जो मेहनत मैं करना की आपके स्टाफ निर्माण ने जो बच्चों को करवाई है, पहली बार एक मेरे प्यारे से बच्चे बोल रहे थे नरेश जी मैंने बता रहे कि ये बच्चा हिचकिचा रहा था। खड़ा होता था वाइस प्रेसिडेंट साहब साहबों को और जितने भी स्टाफ के मेहमान थे सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ हम लोग देश समाज के लिए इस स्कूल के माध्यम से हम लोग बच्चों में ऐसी प्रेरणा बढ़ेगी और ये बच्चे आने वाले जो हमारा भविष्य होगा इस देश का उसको सुरक्षित रखेंगे। और नरेश जी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि किस प्रकार से स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं। बड़े सारे मैं कहूँगा कि हमारे समाज के अंदर हमारे विश्व में इन जो लोगों ने अपने योगदान इस देश समाज के लिए इस पूरे विश्व के लिए दिया है कि प्रोग्राम को आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को इन महापुरुषों से ज़रूर सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोगों को पूरे विश्व के अंदर हमारे देश समाज के लिए काम करना है, हमारे समाज को, हमारे देश को किस प्रकार से आपका। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्पेशली जिन बच्चों को आज हाउसिंग की जो कैप्टनशिप मिली उनको मैं आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ने आपको दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बहुत कुछ सीखता है। जब एक हाउस की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले समय में पूरे जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आने वाले समय में देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग ऐसे ही सीखते जाएंगे। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति हर पल हर समय हर दिन रोज कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन डिलीवर वही करते हैं जो स्कूल में उसने सीखा होता है। इसलिए आपकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कोई भी फंक्शन हो तो लास्ट लेक्चर मेरा ही होता है और आज ब्यूटी ऑफ द स्कूल इज इट
जब स्कूल में किसी को लीडर चुनना हो तो उस समय लीडर ही बुलाना चाहिए जो देश को नेतृत्व करते हैं। ब्यूटिफुल स्टार्टअप कॉम्बिनेशन मे बी पर चांस वेन वी हैव सेलेक्टेड सम टीचर्स ऑफ द क्लासेज एंड हाउसेज एंड ऑल दैट दे हैव डिफरेंट कलर्स डिफरेंट साइंस ऑल्सो। तो हमारे बीच में देश का अनुशासन चलाने वाले लोग भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट छोड़ो आगे बढ़ जाओ सर। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, देश में विभिन्नताएँ बहुत हैं और ये विभिन्नताएँ देश की सुंदरता के लिए हैं। कहो तो चार जातियाँ लेकिन मानव एक, कहो तो चार वर्ण मानव एक, कहो तो चार दिशाएं देश एक, चार दिशाएं संसार एक। तो लर्निंग टेंपल एक और इसके चार हाउसेज सिर्फ इसको बनाने के लिए अनुशासन बनाने के लिए दे आर सेलेक्टेड एंड आई एम वेरी श्योर ऑल दी स्टूडेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटर्स एंड टीचर्स दे विल परफॉर्म वेरी वेल। एंड लर्निंग टेंपल इज ऑलवेज इट इज़ नोन फॉर डिसिप्लिन, it is known for education, it is known for making careers of the people, it is known for everything I should say. It is nothing because this mind, it is only because people say like this. और हमारे teachers बहुत मेहनत करते हैं। मैं आज के इस मौके पर ज़्यादा समय न लेते हुए आदरणीय महाजन साहब का और हमारे भगत साहब का, चीफ गेस्ट वाइस प्रेजिडेंट साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप